आज मैं आया हूँ वॉचमैन का गेस्ट हाउस। अभी हम लोग ये कंपनी में मैक्सिमम आई तो आपको 1200-1300 लोगों को दिक्कत है, और मैं किसके थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि हमारा झारखंड में और हमारा खासकर हमारा एरिया जो बगोदर एरिया है या बिसुनगढ़ है, हजारीबाग, ये सब जो भी एरिया है, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं रहने के कारण से क्या है, सब ऐसा कि दूसरे जगह दूसरा स्टेट में काम करने के लिए जाता है, सब कोई बाहर जा कर के काम करके, मतलब घर में इधर काम नहीं हो मतलब मिलने की वजह से सब बाहर जाता है। तो हम लोग क्या है ना, मैक्सिमम वोट तो हम लोग सब पूरा पार्टी वालों को देता है, लेकिन हमारे एरिया का नेता लोग एमएलए रहने दो, एमपी रहने दो, वो लोग ऐसा ध्यान नहीं देता है। वो लोग क्या है, जब वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम क्या है, सबका घर घर में जा कर के बात करता है, हमें वोट दे दो वोट दे दो, लेकिन वो लोग कभी भी हम लोगों के लिए नहीं सोचा कभी कभी, मतलब चलो एक तो फैक्ट्री ऐसा लाया जाए, वो ऐसा चीज़ ऐसा किया जाए जिसमें कि हजारों आदमी कम से कम रोजगार मिले। हजार आदमी का अगर रोजगार मिलेगा तो क्या है ना, अगर कोई फैक्ट्री या कुछ खुलेगा तो वहाँ हजार आदमी का नौकरी सिर्फ नहीं होगा, वहाँ हजार के जगह हम 10,000 कम से कम नौकरी लगेगा। मतलब क्या है, वो टैक्सी ड्राइवर का काम बढ़ जाएगा, होटल का काम बढ़ेगा, लॉज का काम ऐसे बढ़ेगा, तो बहुत जैसा रोजगार ऐसा हम लोग को मिल सकता है। लेकिन हमारा एरिया का जो भी है नेता लोग बिल्कुल ऐसे केयर नहीं करता है। तो हम लोग को ज़्यादातर ऐसे क्या है, बात करना चाहिए, जब हम लोग पासपोर्ट मांग लिया था आप यहाँ पर रोजगार क्या देने वाले, रोजगार के विषय में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए। आपको रोजगार कुछ ले जा सकता है तो ठीक है। दूसरा स्टेट में क्या होता है ना, देखो हम लोग अभी एक आदमी हम लोग ऐसा एक व्यक्ति कमाता है तो हम लोग घर में क्या है, 10 लोग खाने वाला है। दूसरा स्टेट में क्या है, जब उसके पास रोजगार है तो क्या करता है कि एक आदमी कमा रहा है, उसका वाइफ भी ऐसे कमाती है, क्योंकि उसको लोकल में ऐसे काम ऐसे कुछ ना कुछ काम मिलता है। तो अगर 5,000 भी कमा रहा है तो मिला के 10,000 उसका बनता है। हम क्या करता है, एक व्यक्ति कमाता है तो उसी में से पूरा खर्च ऐसा करना पड़ता है, हमारा पास कुछ बचता नहीं है। अच्छा है कि हमारा ऊपर वाले ने थोड़ा सा समझिए दया किया है या मेहरबानी है कि थोड़ा चावल ये सब वही सब हम लोग खेती वगैरह थोड़ा सा हम लोग को हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा हम लोग का मेंटेनेंस हो जाता है। नहीं तो तुम किसी का समझो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कमा करके ही सिर्फ काम करके ही उसको पेट पालना है, तो क्या हम लोग पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं। क्या है, हम लोग को थोड़ा रोजगार के लिए हमारा जो भी मिनिस्टर लोग है और एमएलए एमपी जो भी है वो सबको ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कितने लोग ऐसे फ़ोन करता है, सर काम नहीं है, काम थोड़ा देखिए, थोड़ा काम मिलेगा क्या, तो ये सब सुनता हूँ तो बहुत ख़राब लगता है। तो हमारे नेता लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उन लोग को भी थोड़ा शर्म चाहिए कि बोल भाई हमारा स्टेट का लोग ऐसे दूसरा स्टेट में जाके काम करने के लिए जा रहा है। अपने आप को थोड़ा वो लोग को फील करना चाहिए कि हमारे यहाँ का एरिया का लोग ऐसे बाहर में जाके काम करने के लिए जा रहा है, हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ रोजगार हम ऐसे उत्पन्न करें जिससे कि यहाँ का लोकल लोग को यहीं पर रोजगार मिले। बहुत जगह सुनता है ना कि वो लोग उसका कभी मारपीट होता है, कभी कुछ ये होता है, उसका मजबूरी क्या है, मजबूरी में जाके मारपीट हो करके भी ऐसे वहाँ काम करने के लिए जाता है। तो ये सब ऐसे हम लोग ध्यान देने का, और थोड़ा जो भी घर में हम लोगों के पास जो भी नेता लोग आता है उससे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करने का, और सभी नेता लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा रोजगार पर ध्यान दीजिए, कोई फैक्ट्री वगैरह ये सब झारखंड में लाइए जिसमें कि हम लोग को रोजगार ऐसे सभी को मिले, तो पूरा परिवार ऐसे सब लोग ऐसे खुशी से रहे। तो
ओके धन्यवाद। और ये कोई बोल